हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट कोटक सिक्योरिटी में तो आप उसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाइव मार्केट में कोटक सिक्योरिटी ऐप में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में कोटक सिक्योरिटी ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का वॉच लिस्ट वाला इंटरफेस शो होगा, जहां पर मैंने खूब सारे स्टॉक्स को ऐड करके रखे हुए वॉच लिस्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना नहीं आता है और उसमें स्टॉक्स ऐड करना नहीं आता है तो एकदम ही सिंपल है। यहाँ पास आपको सिंपली सर्च बार में क्लिक करके स्टॉक्स सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पास अदानी का स्टॉक सर्च कर लेता हूँ। अदानी का स्टॉक सर्च करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं बगल में आपके सामने प्लस का आइकॉन शो हो रहा है, उसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप क्लिक करते ही हमारा वॉच लिस्ट में यहाँ पास अदानी का स्टॉक्स ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से इतना ही सिंपल है स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करना। तो इस प्रकार से आप जिसमें भी ट्रेडिंग करने वाले हैं, मतलब कि जिस भी स्टॉक्स में ट्रेड लेने वाले हैं, उसको आपको सिंपली वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको जिस भी स्टॉक्स में ट्रेड करना है स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ, उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास यस बैंक में क्लिक कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पास बाय वाले बटन में क्लिक कर लेंगे। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको सबसे पहले क्वांटिटी या लिमिट प्राइस डालने से पहले यहाँ पास आपको दिख रहा होगा GTC, TSLO एंड BO। यहाँ पास आपको सिंपली इसको ऑन कर लेना है। तो हम यहाँ पास सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, जब भी आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना हो या फिर स्टॉप लॉस लगाना हो बाई के साथ साथ ही, तो आपको सबसे पहले TSLO BO ऑर्डर को ऑन कर लेना है। ऑन करते ही अब आपके सामने यहाँ पास नीचे में तीन ऑप्शन शो होता है, GTC, TSLO एंड TSLO BO। तो अभी हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने वाले हैं, तो यहाँ पास हमें TSLO एंड BO में क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पास देख सकते हैं, आप डिलीवरी के लिए लगा तो सकते हैं, डिलीवरी एंट्री दोनों के लिए लगा सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस और टारगेट सिर्फ आज के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वैलिडिटी गुड फॉर द डे करके। तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट आज के लिए वैलिड रहेगा, आपको कल फिर से इसके लिए लगाना होगा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पास बाई कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ बाई कैसे करना है। तो दोस्तों, अब यहाँ पास हमें सबसे पहले क्वांटिटी डिसाइड कर लेना है। तो हम यहाँ पास एक क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हैं। एक क्वांटिटी डिसाइड करने के बाद अब यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालना होगा। तो अभी हमारा मार्केट का प्राइस चल रहा है 18.50 रुपये, जो कि हमने लिमिट प्राइस में यहाँ पास डाल लिया है। अब यहाँ पास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में सबसे पहला आता है स्प्रेड का। स्प्रेड मतलब वो होता है कि आप कितने पॉइंट के डिफरेंस में अपने स्टॉप लॉस को टेल करना चाहते हैं। आप 2 पॉइंट के डिफरेंस में टेल करना चाहते हैं, 4 पॉइंट के डिफरेंस में कि 1 पॉइंट के डिफरेंस में, तो आपको यहाँ पास सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पास स्प्रेड में 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा ट्रिगर प्राइस खुद ब खुद यहाँ पास 5 पैसा ले लेता है। आपको अलग से ट्रिगर प्राइस डालने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के स्प्रेड के हिसाब से आपका ट्रिगर प्राइस यहाँ पास शो कर देता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने लिमिट प्राइस लिया 18.50 रुपये का और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हमने डाला है 2 पॉइंट, तो उसके हिसाब से आप 2 माइनस करेंगे तो 16.50 रुपये का हमारा ट्रिगर प्राइस यहाँ पास ऑटोमेटिक लग चुका है। अब यहाँ पास आपको ट्रेलिंग मार्केट प्राइस में करना है कि लिमिट प्राइस में करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये ट्रेलिंग प्राइस को हमेशा मार्केट ही सेलेक्ट रहने देंगे, मतलब कि यहाँ पास आपको जो राइट टिक है उसको राइट टिक ही रहने देना है, स्टार्ट ट्रेलिंग एट मार्केट। इसका मतलब है आपको सिर्फ ट्रेलिंग प्राइस का डिफरेंस सेलेक्ट करना है, सारा चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पास आपको नीचे में बुक प्रॉफिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो अब यहाँ पास आपको अपना टारगेट डालना होगा। जैसे कि भैया यस बैंक का 18.45 रुपये चल रहा है, तो अब हम चाहते हैं कि जब भी इसका प्राइस बढ़कर 20 रुपये आएगा तो हम 20 रुपये में इसको सेल कर देंगे। तो हम यहाँ पास बुक प्रॉफिट प्राइस में 20 रुपये लिख लेंगे। तो मैंने प्रॉफिट प्राइस में 20 रुपये लिख लिया है। उसके बाद अब यहाँ पास आपको आता है बुक प्रॉफिट डिस्क्लोज क्वांटिटी, मतलब आप कितना क्वांटिटी को 20 रुपये में सेल करेंगे। तो यहाँ पास हमारा क्वांटिटी एक ही है, तो हम यहाँ पास कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे एक ही क्वांटिटी ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। यहाँ पास अगर 5-10 क्वांटिटी रहता है तो आप कितने क्वांटिटी को 20 में सेल करेंगे, वो यहाँ पास आपको डिस्क्लोज क्वांटिटी में सेलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, अभी हम डिस्क्लोज क्वांटिटी में कुछ भी नहीं करेंगे, हमने सिंपली क्वांटिटी सेलेक्ट किया, लिमिट प्राइस डाला, हमने ट्रेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्राइस डाला, उसके बाद ट्रिगर प्राइस खुद ब खुद ले लिया, उसके बाद हमने प्रॉफिट डाला कि हम कितने प्रॉफिट में निकलना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पास रिव्यू ऑर्डर में क्लिक कर देंगे। रिव्यू ऑर्डर में क्लिक करने के बाद अगेन हम यहाँ पास बाय बटन में क्लिक कर देंगे।
बाय बटन में क्लिक करने के बाद अब हमारा ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर व्यू TSLOB ऑर्डर में चले जाते हैं। अब जाने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ट्रेलिंग के लिए लगा हुआ है ₹16.50 ट्रिगर प्राइस दिख रहा है और हमारा प्रॉफिट प्राइस दिख रहा है ₹20। मतलब कि हमारा टारगेट प्राइस भी यहाँ पास ₹20 में लग गए और हमारा स्टॉप लॉस भी ₹16.50 में लग गए और हमारा ट्रेड करके यहाँ पास लिखा हुआ है, मतलब कि यस बैंक का एक क्वांटिटी हमारा बाय हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बाय करते ही उसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस आराम से तुरंत लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट तो लग चुका है जो कि आप यहाँ पास देख रहे हैं। अब अगर आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि भी हमारा हम यहाँ पास ऑर्डर में आकर TSLOBO में है तो हमारा ऑर्डर में जो भी स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा हुआ है उसमें हमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको नीचे में मॉडिफाई का बटन दिख रहा होगा तो यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आप अपने प्राइस को सिंपली मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ₹2 का है, हम उसको ₹3 सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ₹3 लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा ट्रिगर प्राइस ₹15.50 का हो चुका है। अब हम यहाँ पास मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करके यस में क्लिक कर देंगे तो अब हम यहाँ पास फिर से TSLOB ऑर्डर की ओर चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ₹15.50 का हो चुका है जो कि हमारा ₹16 था। क्यों हुआ? क्योंकि हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 2 की जगह 3 सेलेक्ट किया तो यहाँ पास हमारे स्टॉप लॉस हो गया ₹15.50 और हमारा टारगेट प्राइस है ₹20। तो इस प्रकार से आप ऑर्डर को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पास पोजिशन में लेकर चलता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपका यस बैंक में एक क्वांटिटी में पोजीशन बना हुआ है, लेकिन अब इसको आपको सेल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? अब मैं आपको इस पोजीशन को सेल करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अब आप इस स्टॉक को पोजीशन की ओर से सेल नहीं करना है, क्योंकि अब जब भी कवर ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर लगाते हैं तो आपका स्टॉक्स पोजीशन की ओर से सेल नहीं होता है। आपको सिंपली ऑर्डर में जाकर यहाँ पास आपका जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मतलब कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो भी लगा हुआ है, उसको आपको सिंपली कैंसिल करना होता है। जैसे कि यहाँ पास आप नीचे में देख रहे हैं हमारे यस बैंक में यहाँ पास जो ऑर्डर लगा हुआ है प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस के लिए, उसको हमें सिंपली कैंसिल करना होगा। तो उसमें हमने सिंपली एक बार क्लिक कर लिया, यहाँ पास नीचे में कैंसिल ऑर्डर में क्लिक करके यस कैंसिल में क्लिक कर देंगे तो हमारा पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाएगा। आपको स्क्वायर अप करने के लिए पोजीशन की ओर जाना नहीं पड़ता है। तो अब हम यहाँ पास पोजीशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों आप पोजीशन में आने के बाद देख रहे हैं कि हमारा पोजीशन अभी स्क्वायर अप नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेट क्वांटिटी यहाँ पास 100 कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पास अदर डीमैट अकाउंट में कवर ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर को ऑर्डर सेट से कैंसिल करने के बाद पोजीशन स्क्वायर अप हो जाता है, लेकिन कोटक सिक्योरिटी में ऐसा नहीं हुआ है। तो अब हम यहाँ पास फिर से पोजीशन की ओर से स्क्वायर अप करना होगा। तो अब आपको पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए सिंपली इसमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक करके यहाँ पास आपको सिंपली ऑर्डर टाइप में लिमिट मार्केट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लिमिट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालना होगा, और अगर आप मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसमें इमीडिएट आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। तो हम यहाँ पास इमीडिएट सेल करने वाले हैं, तो मार्केट प्राइस डालकर रिव्यू ऑर्डर में क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगेन सेल करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा स्टॉक सक्सेसफुली सेल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पास गो टू पोजीशन में चले जाते हैं। गो टू पोजीशन में जाने के बाद आप यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा यस बैंक का नेट क्वांटिटी 0 शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पास इसको स्क्वायर अप दिया है। अब हम यहां पर फिर से ऑर्डर में चले जाते हैं। अब मैं ऑर्डर में जाकर फिर से अब अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहां पर हमें ऑर्डर बुक में चले जाना है। अब ऑर्डर बुक में आने के बाद आप देख सकते हैं हमने जो ब्रैकेट ऑर्डर लगाया था यस बैंक के लिए वो यहाँ पर ट्रेड करके शो कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो सेल के लिए स्टॉप लॉस लगाया था ब्रैकेट ऑर्डर में वो यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। उसके बाद हमने जो लास्ट टाइम में जो सेल किया वो ट्रेड करके शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑर्डर बुक में जाकर चेक कर सकते हैं आपका स्टॉक सेल हुआ है नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।